नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम हमारे द्वारा कुछ रिसेंटली करे गए हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के रिजल्ट आपसे शेयर करना चाहते हैं। इनका एज 28 साल था। इसमें जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो खाली था, लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर तक का एरिया खाली था। इसमें हम लोगों ने FUE टेक्निक से अराउंड 3000 एयरग्राफ्ट ट्रांसप्लांट किए थे और ये जो रिज़ल्ट दिख रहा है अराउंड 4 मंथ बाद का है। ये एक दूसरे पेशेंट है जिसमें बायलेटरल फ्रंटल रिसेशन था, मतलब दोनों साइड के ट्रायंगल्स खाली थे और सामने फोरलॉक था जहाँ पे हेयर्स थे और उसके पीछे फिर वापस खाली एरिया था। इसमें करीब 3500 हेयर ग्राफ्ट किए गए और इसमें जो रिज़ल्ट आया करीब, ये जो दिख रहा है करीब 4 मंथ्स बाद का इमेज है। ये पेशेंट, इनका एज अराउंड 45 ईयर था। इसमें सामने का एरिया काफ़ी कंप्लीट लॉस था, उसके पीछे भी डेंसिटी कम थी, तो हम लोगों ने जो पीछे का हिस्सा था वहाँ पर तो PRP ट्रीटमेंट किया है और सामने का करीब 3 सेंटीमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर विथ का लेंथ में अराउंड 1500 ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट किए गए थे। पेशेंट्स रहते हैं जिनका एज अधिक रहता है और बड़ा एरिया बाल्डनेस का रहता है, तो उनमें भी हम लोग कई बार फ्रंट पार्ट में एक हेयर लाइन, मोटी सी हेयर लाइन क्रिएट कर देते हैं जिससे कि सामने से देखने पर उनका हेयर पूरे फुलनेस दिखती है और उनका एज जो है ओरिजिनल एज या उससे भी कम दिखने लगती है। पूरा पीछे का हिस्से में हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं भी करते हैं, कई बार इतना डोनर साइट नहीं रहता है या इतना बजट नहीं रहता है तो सामने का एरिया में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कई लोगों में हेयर फॉल का जो स्टार्ट होता है वो इस तरह से होता है कि पीछे का एरिया जो वर्टेक्स रहता है वहाँ पर हेयर लॉस हो जाता है और वो पीछे से देखने पर एक पैच दिखता है बाल्डनेस का, जिसकी वजह से उनका एज कम दिखता है और कॉन्फिडेंस में कमी रहती है। तो इस तरह के केसेस में हम लोग सिर्फ लोकलाइज उतने एरिया में ग्राफ्ट कर सकते हैं जहाँ पे ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट 1200 से लेके 1500 ग्राफ्ट तक हो सकती है। ये एक दूसरे पेशेंट हैं जिनमें टाइप 4 बाल्डनेस का ग्रेड था, जिसमें सामने का एरिया खाली था और पीछे वर्टेक्स एरिया भी बाल्डनेस का पैच था। इसमें हम लोगों ने फ्रंट और पोस्टीरियर पार्ट दोनों भागों में ग्राफ्ट लगाए हैं। टोटल 3500 ग्राफ्ट के करीब लगा था, जिसमें कि 2500 सामने लगा और 1000 पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प में लगा था। टोटल जो ड्यूरेशन लगता है इन प्रोसीजर में 7 से 8 घंटे का लगता है और आप सेम डे घर चले जाते हैं, अगले दिन से लगभग अपने सारे काम, रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं। ये हमारे एक पुराने पेशेंट हैं जिनमें एज सिर्फ उनकी 22 साल थी और एरिया काफ़ी बड़ा था, सामने से लेकर पीछे तक पूरा बाल्डनेस था। इनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं था तो इस तरह के केसेस में हमने ये करा है कि सामने वाला हिस्से को ग्राफ्ट किया और पोस्टीरियर पार्ट में ग्राफ्टिंग करी है ताकि पीछे से देखने पर भी हेयर दिखता है, सामने से भी दिखने पर भी होता है हेयर। बीच का एरिया जहाँ पर हम लोग नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट PRP वगैरह करते हैं और ये करीब 4000 ग्राफ्ट का रिज़ल्ट है अराउंड 5 मंथ्स के बाद। ये एक अन्य युवक हैं जो ये फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। इनके बायलेटरल फ्रंटल रिसेशन था, इसमें हम लोगों ने हेयर लाइन डिज़ाइन करी, दोनों साइड के ट्रायंगल करे, इनमें काफ़ी जल्दी रिकवरी हुआ, जल्दी फास्ट हेयर रीग्रोथ हुआ। करीब 2000 ग्राफ्ट इसमें करे गए थे और जो रिज़ल्ट आया था ये लगभग 2.5 से 3 महीने में ही आ गया था। आर्थिक रूप से ये इतने अधिक सक्षम नहीं थे तो इसमें हम लोगों ने EMI या फाइनेंस सुविधा देकर इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया था। ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं जिनमें हेयर लाइन काफ़ी ऊपर चली गई थी, फोरहेड काफ़ी बड़ा दिख रहा था और दोनों साइड के ट्रायंगल्स खाली थे। इसमें करीब 2000 से 2500 ग्राफ्ट के बीच में ट्रांसप्लांट किया गया और ये रिज़ल्ट करीब 4 मंथ्स बाद का है। कई लोगों में बाल्डनेस का एरिया काफ़ी बड़ा रहता है, सामने से लेकर पीछे तक पूरा बाल्ड पैच रहता है, एज भी अधिक रहती है आमतौर पर, पीछे डोनर साइट की कमी रहती है, मतलब कि डोनर हेयर कम रहते हैं। तो इस तरह के कंडीशन में हम लोग मैक्सिमम पीछे से जितना अधिक से अधिक हेयर ग्राफ्ट निकाल सकते हैं वो निकालते हैं और फिर एक्स्ट्रा हेयर की जो ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हम लोग बियर्ड से या चेस्ट से हेयर निकाल के ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें करीब ये 2 दिन में प्रोसीजर होता है, अगर 6000-7000 ग्राफ्ट तक का ज़रूरत रहता है। फर्स्ट डे में हम लोग पोस्टीरियर स्कैल्प से निकालते हैं, देन चेस्ट एंड बियर्ड से निकालते हैं। ये फीमेल पेशेंट है जिनमें हम लोगों ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से उसका डेंसिटी को बढ़ाया है, लगभग 4 to 5 सेशन लगते हैं इसमें, सेपरेटेड बाय 15 डेज ड्यूरेशन। दिस इज सेम थिंग फॉर मेल पेशेंट। कई बार हेयर ग्राफ्ट होते हैं, मतलब हेयर होते हैं लेकिन वो मोटे नहीं रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट का ज़रूरत नहीं रहता है, सिर्फ उसका क्वालिटी इंप्रूव करने का ज़रूरत रहता है।
पीआरपी थेरेपी में आप कहीं 15 ml ब्लड लेके उससे कुछ सेंट्रीफ्यूज करके कुछ प्लेटलेट रिच ग्रोथ फैक्टर वाला सॉल्यूशन बनाते हैं और उसके मल्टीपल इंजेक्शन इन जगह पे करते हैं। 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर रहता है और कई बार बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट आते हैं, बट उसके लिए कुछ एग्जिस्टिंग ग्राफ बाल होना चाहिए। इसके द्वारा हेयर की थिकनेस बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है, मोटे काले हो जाते हैं।